मंदसौर के भगवान श्री पशुपतिनाथ की नगरी मंदसौर में खानपुरा स्थित श्री रामानुज कोट मंदिर में पहली बार 21 दिसंबर से 27 दिसंबर तक दोपहर 12 से 4 बजे तक आयोजित श्री गोभक्त माल कथा में व्यास पीठ से संत सरस्वती महाराज ने देश में हो रही गोहत्या पर अपने मन की पीड़ा और गहरा दुख प्रकट करते हुए कहा कि देश आजाद होने से पहले महात्मा गांधी ने कहा था कि आजादी के बाद कलम से जो पहली लाइन लिखे जाएगी वह होगी कि भारत से गोहत्या बंद की जाए, लेकिन आजादी के बाद से आज तक भारत के माथे से इस घोर कलंक को मिटाने को लेकर महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू और उसके बाद जितने भी देश के प्रधानमंत्री बने हैं उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया। संत ने कहा कि उनका किसी भी राजनीतिक दल से न तो कोई विरोध है और न ही कोई लगाव, परंतु गोमाता को हम गोमात्रम कहते हैं और मानते भी हैं, गोमाता के रूप में पूजते हैं, परिक्रमा करते हैं। तो चाहे कोई भी सत्तारूढ़ और विपक्षी दल हो, सभी के सांसदों को एक मत से हमेशा के लिए गोहत्या बंदी का प्रस्ताव रखने के लिए सरकार पर दबाव बनाना चाहिए। गांव के प्रधान सरपंच से लेकर विधायक सांसद तक की ताकत आम जनता है, क्योंकि उन्हें चुनकर आम जनता भेजती है। इसलिए अब बहुत हो चुका, आज़ादी के 75 वर्ष हो चुके हैं कि हम वोट उसी को देंगे जो सत्तारूढ़ दल गोहत्या बंदी का बिल पेश करेगा। महाराज ने कहा कि हमारे धर्म शास्त्रों का अध्ययन कर उसमें लिखी हुई उपयोगी बातों से विदेशी पूरा लाभ उठा रहे हैं और हम महाभारत जैसे अनुपम ग्रंथ को घर में रखने लाने से डरते हैं। घर में कलेश झगड़ा न हो जाए, जबकि महीनों चले महाभारत सीरियल को सब देखते थे, परंतु किसी भी घर में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, उल्टे उससे बहुत को शिक्षा। आपने कहा कि बाहर लड़ाई झगड़ा मारपीट करना ही लड़ाई नहीं है, यदि हमारे मन में किसी के प्रति मनमुटाव है तो यह भी एक प्रकार से लड़ाई झगड़ा ही समझा जाता है। धरा पर जब भी अत्याचार अनाचार बढ़ा है, सबसे आगे गाय का रूप धारण कर धरती पर माता भगवान से प्रार्थना करने गई थी, इसलिए गोमाता के महत्व को समझना होगा। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना पंडित सुदर्शनाचार्य और पंडित सूर्य प्रकाश शर्मा के सानिध्य में विद्वान पंडितों द्वारा की गई। साथ ही प्रातः 4 बजे से संस्कृत पाठशाला के बटुकों और विद्वान पंडितों द्वारा भगवान के पाठ हुए हैं। हर बुराई में एक अच्छाई होती है। किसी परिवार में मौत होती है, सबको बहुत दुख होता है, लेकिन उसमें भी अच्छाई है। अच्छाई ये है कि कल्पना करो, हमारे पिताजी जिंदे होते, दादाजी, परदादाजी, सरपरदादाजी, अगर पीढ़ी दर पीढ़ी जिंदे रहे, आने वाली पीढ़ी भी खत्म नहीं हो, तो पैर कहाँ रखोगे, खाओगे पियोगे, वो बात तो छोड़ो, आप क्या खाओगे पियोगे, आपको तीर रखने की जमीन नहीं मिलेगी, जगह नहीं मिलेगी आपको। तो सृष्टि का प्रत्येक नियम एक आवश्यक क्रिया है, तो भोले बाबा की आवश्यक हो गया तो सृष्टि का इतना विस्तार हो गया कि सब घबराने लगे, अब क्या हो इस सृष्टि से, वो कहां गए पता करो। अब सारे देवता मिलकर के, सारे देवी देवता मिलकर के भोले बाबा को कहीं हो तो मिले,